enemies go conut samarian golden full pantino parisi in your full tattoo. तो भाई लोगों, क्या तुम लोगों को भी ग्रैंड मास्टर पर जाना है या ग्लोबल पर जाने के बाद कैसा फील होता है वो तुम लोगों को भी देखना है? मतलब जिन लोगों को अभी तक हीरोइक भी देखने का नसीब नहीं हुआ है ना, जो लोग अभी तक हीरोइक तक नहीं गए हैं, मैं उन लोगों को आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद वो लोग ग्रैंड मास्टर पहुँच जाएंगे, उनका नाम टॉप 300 ग्लोबल में आएगा। ठीक है, यकीन नहीं है तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो ना, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ट्रिक है ना, ये आज से पहले सिर्फ टीम हिंद के पास थी। पता होगा टीम हिंद लोकेश गेमर की गिल्ड है, ठीक है, इन लोगों के पास ये ट्रिक थी, मगर ये लोग किसी को बता नहीं रहे थे, क्योंकि अगर ये लोग सबको बता देंगे, अगर सब लोगों को ये स्कीम बता देंगे तो हर बंदा ग्रैंड मास्टर ना पहुँच जाएगा। फिर इन लोगों की पूछ कहाँ होगी, फिर इन लोगों को कौन जानेगा कि टीम हिंद कौन है, क्या है, फिर तो हर बंदा ग्रैंड मास्टर पहुँच जाएगा। तो इसीलिए आज मैं तुम लोगों को ये ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ग्रैंड मास्टर जाते कैसे हैं और कैसे ये भाई साहब टीम हिंद वाले ग्रैंड मास्टर पहुँचे हैं अभी तक। चिंता मत करो, प्रूफ है मेरे पास, ठीक है, प्रूफ के साथ ही वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, कल रात हम लोग खेल रहे थे रैंक, ठीक है, अभी रैंक में हुआ क्या, हमारे दो बंदे मर गए थे, ठीक है, दो बंदे मर गए थे, मैं और मेरा एक टीममेट जिंदा था, ठीक है। हम लोग जा रहे थे पीक की साइड से भीमा शक्ति डायरेक्ट नीचे, ठीक है, अभी वहाँ पर क्या हुआ, नीचे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ ट्रक खड़ा होता है उधर की साइड से उस बंदे ने, एक बंदे ने हमको मारा डायरेक्ट हेड, ठीक है, डायरेक्ट हेड M14 से मुझे और मेरे फ्रेंड को हेड मारा, हम दोनों हो गए ख़त्म। ख़त्म होने के बाद होता क्या है, हम जब उनको देखते हैं तो भाई साहब एक के बाद एक उन्होंने बीमा शक्ति की जो टंकी होती है ना, उधर उन्होंने दो बंदों को हेड मारा। तो पहले ये देखो, नहीं समझ में आया, रुको ज़रा, एक बार दोबारा से देखो, अभी भी नहीं समझ में आया तो यार एक बार और रुको, स्लो मोशन में देखो, ठीक है, वाइटी सनी, एक किल, दो किल, तीन किल, और सब में क्या लिखा रहा है, हेडशॉट, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था, जो बीमा शक्ति की टंकी है ना, इसी से ऊपर, ठीक ऊपर, वहाँ पर इस बंदे ने दो को मारा हेडशॉट, ठीक है, टंकी के ठीक आगे दो बंदे और लड़ रहे थे, उनको मारा हेडशॉट, ठीक है ना, मैं और मेरे टीममेट को मारा हेडशॉट, किससे, M14 से, मैं था ट्रक के पीछे, मुझे लगा। भाई साहब का किल कितने अभी फिलहाल, 18 इन्फिनिट्स, भाई साहब चार बंदों से अकेले बिंडे जाते हैं और हो जाते हैं नॉक। ये कौन है, नूब, चार बंदे जिंदा हैं और ये भाई साहब ग्रैंड मास्टर पर हैं, 30s की लाइन में हो जाते हैं नॉक, उसके बाद भी किस पर हैं, ग्रैंड मास्टर पर, बुया हुआ है हैकर के साथ खेलकर, इसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर जाने की। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, इस टीम में खेल कौन रहा है, इसमें खेल रहे हैं क्रिमिनल भाई साहब, ठीक है, क्रिमिनल को फ्री फायर में कौन नहीं जानता, ये एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्रिमिनल को कोई नहीं जानता, और क्रिमिनल बहुत फेमस नेम है। अभी फ़िलहाल इन लोगों ने बता दिया कि ये लोग कितने बड़े नूबड़े हैं, ठीक है, इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इनकी खुद की औकात नहीं है कि ये लोग डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर पर जा पाएँ, ठीक है। तो ये लोग करते क्या हैं, एक हैक खरीदते हैं, सब लोग पैसा मिलाकर एक हैक खरीदते हैं, 10 या 12 आईडी उस हैक के साथ बनाते हैं, और फिर करते क्या हैं, पीरियोडिकली उस आईडी के साथ अपना गेम प्ले करते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि अगर एक आईडी के साथ करेंगे तो हो सकता है इनकी रैंक भी ड्रॉप कर दी जाए या आईडी बैन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये लोग करते क्या हैं, जैसे आज के 20 से 25 गेम खेल लिए एक आईडी से, फिर अगले 20-25 गेम खेल लिए दूसरी आईडी से नेक्स्ट डे, फिर 20-25 गेम खेल लिए नेक्स्ट डे तीसरी आईडी से, ठीक है, ऐसे कर करके ये लोग इजीली ग्रैंड मास्टर पहुँच जाएंगे। किल से कोई मतलब नहीं होता इन लोगों का, क्योंकि केडी रेट अगर तुम देखोगे तो केडी रेट इनका बेसिक ही है, और सीधी सी बात है, अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये लोग जाएंगे ना, तो यार कोई भी नूबड़ा, अगर कोई नूबड़ा भी होगा ना, तो वो भी 4 से 5 किल आराम से कर लेगा। इस बंदे की प्रोफाइल चेक करते हैं, वाई टी सनी की, इस बंदे का अभी लेवल सिर्फ 19 है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करें हेडशॉट रेट की, तो स्क्वाड में इसका हेडशॉट रेट 78% है, डुओ में इसका हेडशॉट रेट 51% है। अब वही बात करें क्रिमिनल की, तो इस नूबड़े की 69 लेवल की आईडी है, मगर उसके बाद भी इसकी ऐसी हरकतें, और इस बंदे को लोकेश गेमर ने अपनी गिल्ड में रखा हुआ है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ऐसा तो नहीं है कि लोकेश गेमर को इन लोगों की हरकत के बारे में नहीं पता हो कि ये लोग कैसे खेल रहे हैं, सबको पता होता है भाई, दिल से बोल रहा हूँ, इतनी गाली निकल रही थी ना मेरे टीममेट्स के मुँह से तुम्हारे लिए। सीधी सी बात है, अगर कल को अगर मान लो तुम भी ग्रैंड मास्टर चले जाओ, ठीक है, या मैं भी ग्रैंड मास्टर चले जाऊँ, तो भाई मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा कि मैं किसी हैकर को खिलाऊंगा, क्योंकि नाम गाली क्या पड़ती है ना, ये मुझे पता है कि क्योंकि इन लोगों को जब इन्होंने हमें मारा तो मेरे टीम वालों ने कितनी गाली दी है ना, ये मैं जानता हूँ। ग्रैंड मास्टर जाने का सबसे सीक्रेट ट्रिक है ये, हैकर को लाओ अपने साथ खिलाओ और ग्रैंड मास्टर जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बंदे उल्टा लाइक देंगे, क्योंकि तुम कौन हो, तुम हो क्रिमिनल, तुम कौन हो, तुम हो ग्रैंड मास्टर पर, तुम हो ग्रैंड मास्टर पर, तुम दोनों ग्रैंड मास्टर पर हो भाई साहब, 69 नंबर पर हैं ग्रैंड मास्टर पर ये, और इन्फिनिट्स, इन्फिनिट्स तो भाई बहुत ऊपर है,
थर्टीज़ की लाइन में आता है, ठीक है, थर्टीज़ की लाइन में इन्फिनिट्स आता है, इन नोबड़ों को शर्म नहीं है, इनसे अच्छे तो वो है जो कम से कम इम्यूलेटर पर खेल के ग्रैंड मास्टर जा रहे हैं, कम से कम वो हैक तो यूज़ नहीं कर रहे, स्किल्स से जा रहे हैं भाई, स्किल्स मैटर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर अभी भी तुम लोग इनके सपोर्टर हो तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम तो बताना, तुम लोगों को अवेयर करना कि ये लोग कैसे हैं।